नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज़। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बुलंदशहर नरोरा में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 महिलाओं सहित 5 लोग गिरफ्तार। लूटे गए 50,000 नकदी सहित 10 लाख के आभूषण बरामद। लूट में प्रयुक्त i10 कार भी पुलिस ने की बरामद। लूट की घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली से बुलाए गए थे लुटेरे। थाना नवाड़ा क्षेत्र के नरोरा कस्बे में दिया था लूट की घटना को अंजाम। संवाददाता अमित राणा। देखिए, कल सुबह 6:15 और 6:30 बजे के बीच में कस्बा नरोरा में एक बहुत ही सनसनीखेज तरीके से लूट की घटना घर में घुस के की गई थी। और एक वृद्धा श्रीमती भगवान देवी, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, अपने एक दिव्यांग बेटे जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है उसके साथ रहती हैं। दोनों अशक्त हैं, बेटा दिव्यांग होने की वजह से और श्रीमती भगवान देवी वृद्धा होने की वजह से। लगभग 6:15 बजे एक महिला इनके घर में प्रवेश की और उसने कहा कि मुझे आपके टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, हम यात्री हैं। जब तक वो कुछ समझ पाती, इस महिला ने फ़ोन करके बाहर से 3 लड़कों को अंदर बुला लिया। इन चारों ने दोनों को अपने कब्जे में लेते हुए 15 मिनट के भीतर घर में मौजूद नकदी जो 50,000 थी तथा सोने के आभूषण जो लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के थे कब्जे में लेकर के ये भाग गए। पुलिस की टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमारी कई टीमों ने SPRA और CO डिबाई के नेतृत्व में कार्य शुरू किया। जगह जगह CCTV कैमरे खंगाले गए, उसके आधार पर उस गाड़ी की पहचान हो गई, गाड़ी का नंबर मिल गया। नंबर के आधार पर हमारी टीम SPRA के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद गाड़ी मालिक को ट्रेस किया, उससे जानकारी की गई गाड़ी कहाँ है, तो गाड़ी मांग करके कुछ लोगों द्वारा ले जाई गई थी। उससे प्राप्त सूचना के आधार पर प्रयास करते हुए सुश्री वंदना शर्मा और हरेंद्र कुमार जो SPRA हैं, दोनों ने अपनी अलग अलग टीमें दिल्ली पुलिस का सहयोग लेते हुए गाड़ी को बरामद किया और उन 3 अभियुक्तों को बरामद किए, गिरफ्तार किया जो घटना में सम्मिलित थे। और फिर उनकी निशानदेही पर इस महिला को गिरफ्तार किया गया और नगमा जिसका नाम है, और इसके पास से सोने के आभूषण और कैश आज जो 50,000 रुपये का था वो बरामद किया गया। इस तरह से लगभग 100% बरामदगी के साथ घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर की नौकरानी भी इसमें इन्वॉल्व थी और उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरह से था कि पहले एक किराएदार महिला उस मकान में रहती थी जो अपने पति की हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी। वो जेल से वापस आने के बाद मकान मालकिन वृद्धा श्रीमती भगवान देवी ने उक्त महिला को अपने घर से निकाल दिया। उस महिला के मन में प्रतिशोध था और उसे पता था कि ये दोनों अशक्त हैं। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के योजना बनाई। उसके प्रेमी ने ये दिल्ली वाले लिंक को तलाशा और उस लिंक के सहारे दिल्ली से अपराधी 4 की संख्या में कार से आए, i10 कार से, और घटना को अंजाम दिए। फिलहाल पूरे घटना का अनावरण कुशलतापूर्वक कर लिया गया है। संपूर्ण 100% बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई है और घटना में साजिश में सम्मिलित 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है। देखिए, ये सभी जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं ऑटो चालक हैं, दिल्ली में ऑटो चलाते हैं। महिला भी तलाकशुदा है, अपनी माँ के घर में रहती है। इसमें से एक अभियुक्त इस महिला की छोटी बहन का हस्बैंड है, लेकिन अब तक इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को इस प्रकरण में प्रदान की गई है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय में अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत ही सक्षमतापूर्वक प्रयास करके इस पूरे केस को वर्कआउट किया गया। यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।